आइए अंडरस्टैंड करिए कि इंफॉर्मेशन साइलोज का कॉन्सेप्ट है क्या और ये प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एग्जिस्ट करती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आप ईआरपी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन साइलोज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंफॉर्मेशन साइलोज होते क्या हैं। इंफॉर्मेशन साइलोज की डेफिनेशन अब रिव्यू करते हैं कि इट इज़ एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही है, दैट इज अनएबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जो अनएबल है उस इंफॉर्मेशन को फ्रीली कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। कम्युनिकेशन विद इन एन इंफॉर्मेशन साइलोज इज ऑलवेज वर्टिकल। इसको जरा समझिए कि वर्टिकल का मतलब क्या है। एक डिपार्टमेंट में जब अगर इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है तो टॉप टू बॉटम अगर वो इंफॉर्मेशन वहीं पे रहेगी तो ये वर्टिकल इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है और मैनेज हो रही है। होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्टिकल इंफॉर्मेशन जनरेट, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अगर हॉरिजॉन्टली नहीं शेयर हो रही तो दूसरी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों को इंफॉर्मेशन का पता भी नहीं लगेगा। विच उससे होगा क्या, मेकिंग इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू वर्क विद अनरिलेटेड सिस्टम। बहुत मुश्किल हो जाएगी दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही है उनके साथ काम करने में। अगर मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन वर्टिकली वहीं पर रहती है और कम्युनिकेट नहीं होती एक अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, तो एम्प्लॉयज को पता भी नहीं लगेगा कि कितनी सेल्स हुई, कौन से कस्टमर्स कब आए, उन्होंने कितने ऑर्डर प्लेस किए एंड सो ऑन। तो ये तो थी डेफिनेशन अबाउट इंफॉर्मेशन साइलोज। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि वेयर आर इंफॉर्मेशन साइलोज ए प्रॉब्लम। कहां पर इंफॉर्मेशन साइलो प्रॉब्लम होता है? जहां पर डेटा आइसोलेटेड इन सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो सिस्टम्स जहां पर इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही है डेटा आइसोलेट होगा, जो डेटा जनरेट हो रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंटल यूनिट या दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ शेयर नहीं हो पा रहा, बिल्कुल अलग-अलग पड़ा हुआ है, किसी ने उसको इंफॉर्मेशन को टच नहीं किया। हर डिपार्टमेंट में डेटा जनरेट होगा, जब डेटा जनरेट होगा और वर्टिकली ही जनरेट होता जा रहा है तो डुप्लीकेशन के चांसेस हैं, क्योंकि एक कस्टमर अगर बार बार इंटरेक्ट कर रहा है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन तो वही इंफॉर्मेशन वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके देगा। तो इंफॉर्मेशन जब शेयर नहीं हो पाएगी, डेटा आइसोलेट रहेगा इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो मुश्किल हो जाएगी। सेकंड, इट इज क्रिएटेड ओवर टाइम एज पर्सनल और वर्क ग्रुप एप्लीकेशन आर डेवलप। अब इस चीज को समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट की जाती हैं टू अचीव डिफरेंट गोल्स। कुछ पर्सनल गोल हैं, कुछ पर्सनल टास्क हैं जो आपने डेली बेसिस पे करने होते हैं, कुछ टास्क ग्रुप ओरिएंटेड होते हैं जो आपने डेली या मंथली बेसिस पे करने होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है इन दोनों सिस्टम्स में, आइदर इट इज़ ए पर्सनल टास्क और वर्क ग्रुप टास्क, वो शेयर नहीं हो पाएगी, आइसोलेट रहेंगे। आप एक यूनिट दूसरे यूनिट से बात भी नहीं कर पाएगा, एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम दूसरे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जब शेयर नहीं होगी कोई चीज़, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो एम्प्लॉयज इन दैट यूनिट बिल्कुल उनको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। एंड एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज साइलोज डुप्लीकेट डेटा बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम। अगर तो कंपनी में 10 कस्टमर्स का डेटा है फिर तो आसान है पेपर और पेंसिल के साथ उसको मेंटेन करना। अगर डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे डेटा इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको मेंटेन करना या उसको शेयर करना, क्योंकि पेन एंड पेपर से वो काम नहीं हो पाएगा। तो स्पेशलाइज्ड टूल या कॉम्प्लेक्स टूल्स, कस्टमाइज सॉल्यूशंस या वो इजी टू यूज सॉल्यूशंस जो कंपनीज में लोग यूज करते हैं, उसके थ्रू आसानी आ जाएगी उस डुप्लीकेशन ऑफ डेटे को रिमूव करने के लिए। अब एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें कि इंफॉर्मेशन साइलोज कैसे एक कंपनी में होगा। अब यहां पर आप लेक व्यू कंट्री क्लब के डिपार्टमेंटल गोल्स को जरा रिव्यू करिए। यहां पे तीन डिफरेंट गोल्स, तीन डिफरेंट ऑपरेशंस की बात करेंगे। पहला, अ वेडिंग इवेंट्स, किसी भी कंट्री क्लब के अंदर जनरली इवेंट्स मैनेज होते हैं। सेकंड, उस क्लब में हम क्रिकेट के ऑपरेशंस को भी मैनेज करेंगे। थर्ड, फैसिलिटीज। तो तीन डिफरेंट गोल्स की हम बात कर रहे हैं। इवेंट्स वालों का गोल ये होगा बिजनेस को इंक्रीज करना। नंबर टू, हाई क्वालिटी रेपुटेशन मेंटेन करना। नंबर थ्री, मैनेज कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स अबाउट द इवेंट। शादी हो रही है तो उसकी पूरी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। क्रिकेट ऑपरेशंस को अगर हम देखें तो उनका गोल ये है कि सेटिस्फाइंग द कस्टमर, कि वो लोग जो क्रिकेट खेलने आए उनको सेटिस्फाई किया जाए। और कीप क्रिकेट प्रोज बिजी, जो प्रोफेशनल्स आए क्रिकेट के उनको बिजी रखा जाए। और रिपीट कस्टमर्स को भी मोटिवेट किया जाए ताकि रिपीट कस्टमर्स आए। फैसिलिटीज का क्या गोल होगा, कि वो मेंटेन रखें टॉप लेवल क्लब अपीयरेंस, जो घास है या जो फील्ड मौजूद है क्रिकेट के लिए या उस इवेंट के लिए, वो बिल्कुल मेंटेन रहे, बिल्कुल ठीक रहे। एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व क्लब फिजिकल एसेट्स, जो फिजिकल एसेट्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आइटम्स, वो भी मेंटेन रहे। और थर्ड, रिजॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। तो ये तीन डिफरेंट गोल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर आइलैंड ऑफ ऑटोमेशन मौजूद है, मींस कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। आइसोलेशन के अंदर आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। वेडिंग इवेंट्स में अगर आप देख लें तो प्रोजेक्ट प्लानर अपनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। क्रिकेट ऑपरेशंस के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम होगा जो इंफॉर्मेशन मैनेज सिस्टम उसको मेंटेन कर रहा होगा। और फैसिलिटी के अंदर स्टाफ स्केजुलिंग का पूरा स्केजूल मौजूद होगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया है कि इंफॉर्मेशन साइलोज क्या होती हैं, और एग्जांपल को रिव्यू करने के बाद आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन आइसोलेशन के अंदर, क्योंकि गोल्स डिफरेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के, वो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी तो मुश्किल हो जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए।